हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 9.1 के सम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें क्या दे रखी है, टू एक्सप्रेशंस दे रखी है और उसके क्या फाइंड आउट करनी है पहले टर्म्स और उसके बाद उसके क्या निकालने हैं कोफिशिएंट। अब एक ध्यान में रखना, कोफिशिएंट दिया डायरेक्ट, क्या दिया है कोफिशिएंट दिया है। तो कोफिशिएंट थे हमारे पास कितने टाइप्स के थे, टू टाइप्स के थे, एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और दूसरा लिटरल कोफिशिएंट। अगर डायरेक्ट हमें क्या दे दे कोफिशिएंट पूछ ले तो हमें हमेशा क्या निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही निकालना है। अगर वो बात करे कि एक्स का कोफिशिएंट निकालो, फिर जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी है वेरिएबल और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, वो सारा का सारा क्या रहेगा कोफिशिएंट रहेगा। अगर वो कोई कंडीशन ना दे और सीधा डायरेक्ट पूछ ले कि कोफिशिएंट निकालना है, तो वो हमेशा क्या निकालेंगे हमें, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो अब हमें एक्सप्रेशन, अब टर्म्स तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्म्स है कौन सी, 5xyz² और दूसरी टर्म्स क्या है, -3yz। ये तो हमारे पास क्या थी, टर्म्स थी। अब बात आती है कोफिशियंट की, कोफिशियंट क्या होंगे। अब इसका कोफिशियंट कौन रहेगा, 5, और इसका जो कोफिशियंट है वो कौन रहेगा, -3 रहेगा। ओके, अब इसके अंदर x का वेरिएबल वाला दे रहे हैं, ये तो पार्ट कौन सा है, कॉन्स्टेंट पार्ट है, तो x का जो कोफिशियंट है वो कौन रहेगा हमारे पास, 1, और x² का भी कितना रहेगा हमारे पास, 1, क्योंकि जिसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहता है। तो कोफिशियंट के अंदर हम किसकी बात करेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल कोफिशियंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, इसका क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। अब ध्यान में रखना प्लस कैसे करना है, जहां पे कोमा साइन है वहां पे किसका साइन लगा दोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। क्या करोगे, a माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे क्या यूज होगा, प्लस का साइन, फिर सेम टू सेम b-c प्लस bc, फिर कोमा है तो क्या करोगे, प्लस c-a प्लस ca। ओके, ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन थी हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। अब इसको इकट्ठा करना है। अब ध्यान में रखना a है वो कितने टाइम्स है, a हमारे पास ये है एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b का भी चेक करना है, माइनस b है, यहाँ पे हमारे पास प्लस b है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि b में से b माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर जीरो, इसलिए क्या हो जाते हैं, कट। फिर देखना है ए बी है और नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी। उसके बाद सी माइनस सी है और ये हमारे पास किसका है, प्लस का सी, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो बच गई टर्म कौन सी है, एक तो बी सी है और एक सी ए है, तो बी सी प्लस सी ए, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट के और भी पार्ट है, वो सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं सभी। थर्ड है हमारे पास कौन सा, सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना, सब्ट्रैक्ट। इसके दो फॉर्मूले से हो सकता है, अब पहला करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम जहां पे नाम आ गया वहां पे क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट वाले को क्या करना है, माइनस। अगर आ जाए कि दिस सब्ट्रैक्ट दिस है तो क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड है माइनस, पर यहाँ पे फ्रॉम यूज हो गया तो सेकंड में से क्या करनी है, फर्स्ट वाले। तो पहले वो लिखनी है हमारे पास क्या है, 12a+9ab+5b-3। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन यूज करना है, किसका साइन यूज करना है, माइनस का, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा किस में यूज करनी है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। क्यों लिखनी है, क्योंकि ये माइनस जब इंटर करेगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएंगे, सारे साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का है वो किसका हो जाता है, प्लस का। तो 7ab+3b+12। ओके, अब साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, ये सारा पार्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 12a+9ab+5b-3। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4a- क्या हुआ, प्लस, क्या कितना आएगा, 7ab, फिर माइनस प्लस -3b,
ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का 12, मतलब जो प्लस के साइन थे वो किसके हो गए माइनस के, और जो माइनस के थे वो किसके हो जाएंगे प्लस के। अब इसको क्या कर देना है सोल्व, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ये बन गया। अब इसको सोल्व करो, पहले 12 ए है, अब 12 ए वाला ए वेरिएबल कितना है यहाँ पे ए, तो इसके अंदर ए वाला कौन सा है ये हमारे पास माइनस का 4 है। अब ध्यान देना प्लस का 12 है माइनस का 4 है, कितना है 12 में से वेरिएबल तो सेम ही रहता है, वेरिएबल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, पर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 ए, मतलब ये दोनों पार्ट है वो क्या हो गए 16 हो चुके हैं। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की टर्म हमारे पास क्या है बड़ी है। दूसरा है 9 AB, इधर है 7 AB, ये 9 दोनों प्लस के हैं, 9 और 7 कितने हो गए 16, 9 और 7 है 16 है AB, चार पार्ट सोलह कर लिए। 5 BB यहाँ पे है माइनस का 3 BB, 5 BB प्लस का है ये माइनस का क्या रहेगा प्लस का 2 BB, वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा, वेरिएबल पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर चेंज रहेगा। ओके नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3, इधर है माइनस 12, तो कितना है माइनस का 50, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। ओके दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, जैसे इसमें से हमें क्या करनी थी ये चीज माइनस करनी थी, पहले इसको नोट डाउन करेंगे कितना है 12 ए प्लस 9 AB प्लस 5 BB माइनस 3। अब क्या ध्यान में रखना है जो वेरिएबल इसके अंदर यूज हो रहे हैं उसके अंदर भी सेम वेरिएबल है, तो इसके जो नीचे वैल्यू आएगी वो कौन से उसी वेरिएबल सेम वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब 12 ए के नीचे कौन सा आएगा 4 A आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब ए बी बड़ा कौन सा है इसके अंदर माइनस 7 AB है, तो माइनस 7 AB, उसके बाद कौन सा है प्लस 3 BB, प्लस 3 BB और प्लस का 12, प्लस का 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा क्या होंगे साइन है चेंज होंगे, तो साइन चेंज करोगे प्लस का था ये पार्ट है वो किसका था प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। मेन कंडीशन वही है, ये माइनस इंटर किया तो किसका हो गया था ये सारा पार्ट चेंज हो गए थे साइन, वैसे इसके अंदर है। अब इसको सोल्व कर दो, वही चीज है, अब ये माइनस का 12 में से 4 गए 8 प्लस दोनों प्लस के 9 प्लस 7 16 AB प्लस 2 BB और माइनस 15, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। ये मेथड भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, जो इजी लगे वो कर सकते हो, पर वेरिएबल है वो सेम रहने चाहिए, उसी को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है 9.1, इसके सारे सम है वो इजीली से हो जाएंगे आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो या कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।